लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला जाओ एंजॉय करो 5 days 7 days अपने आप को सैटिस्फाई करो. मैम अब ये भी बता दो उस 5 दिन में पढ़ना कैसे है. तो यस हियर इज माय टिप फॉर द नेक्स्ट स्टडी पैटर्न जो मैंने आपको बताया है उसके अंदर आपको स्टडी भी कैसे करना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये पता है स्टडी कैसे करना है ऑब्वियसली आप सीए स्टूडेंट हो सीएमए स्टूडेंट हो आपको पता होना चाहिए. लेकिन नहीं आपको नहीं पता है इसीलिए तो सफरिंग है. सो डू वॉच माई वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट स्टडी पैटर्न. एक सीए स्टूडेंट को सीएमए स्टूडेंट को सक्सेस कैसे मिलेगा बाय मेकिंग अ टाइनी टाइनी वेरी टाइनी चेंजेस इन योर पैटर्न. हाय शिल्पी कोठारी दिस साइड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड एज यूजुअल आई एम इन द मिशन ऑफ कन्वर्टिंग योर फेलियर इनटू सक्सेस. सो ऑल द सीए सीएमए स्टूडेंट सीए स्टूडेंट्स ट्रैक मी एंड डू वॉच माय ऑल टिप्स फॉर योर सक्सेस. स्टडी पैटर्न में क्या चेंज करना है मैंने आपको पहले बताया कि 5 दिन तक अकाउंट्स पढ़ो राइट. अब जब 5 दिन तक अकाउंट्स आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे सिंपली चैप्टर्स उठाओगे और पढ़ना स्टार्ट कर दोगे सम्स उठाओगे सॉल्व करना चालू कर दोगे. नहीं यहां आप चेंज करो क्या चेंज करना है पहले आप इंडेक्स उठाओ चेक इट व्हाट आर द इजी चैप्टर्स व्हाट आर द मीडियम चैप्टर्स एंड व्हाट आर द हार्ड चैप्टर्स. अब मीडियम इजी तो आप आराम से हैंडल कर लोगे एंजॉय करते हुए कर लोगे. व्हाट अबाउट हार्ड मान लो आपने एक दिन सोचा कि फर्स्ट डे मैं पूरे इजी कंप्लीट कर देता हूँ सेकेंड डे मीडियम कंप्लीट कर देता हूँ एंड थर्ड डे हार्ड. और आपने क्या किया हार्ड चैप्टर फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट्स की बात करूंगी तो एमलगमेशन एक बड़ा चैप्टर है पार्टनरशिप एक बड़ा चैप्टर है ब्रांच एक बड़ा चैप्टर है और आपने सोचा कि फाइनल अकाउंट्स भी एक बड़ा चैप्टर है और आपने सोचा कि मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक फाइनल अकाउंट्स कवर करूंगा एंड हियर कम्स योर प्रॉब्लम. आपने जो सोचा वहीं पर आपको चेंज करना है. फाइनल अकाउंट और ब्रांच और एमलगमेशन जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स अगर आप एक दिन में उठाओगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा एंड अगर वो फर्स्ट डे हो गया आपका 5 दिन में वो फर्स्ट डे हो गया तो आपको डीमोटिवेशन 200% आएगा और वो 200% जो आएगा वो 4 दिन आपका वेस्ट करेगा फर्स्ट डे डीमोटिवेशन. अगर आपने फाइनल अकाउंट्स थर्ड डे उठाया तो वापस से 2 डे वेस्टेड और अगर आपने लास्ट डे उठाया तो ये जो पढ़ा है वो वेस्ट. तो करना क्या है करना कुछ नहीं टाइनी चेंजेस. मैम ये भी बता दो टाइनी चेंजेस क्या है. हाँ उसी के लिए तो आई हूं. ओके सो व्हाट यू नीड टू डू ये बड़े चैप्टर्स को हार्ड चैप्टर्स को आपको क्या करना चाहिए यू शुड डिवाइड दैट बिग चैप्टर्स इनटू 5 days. आप उनके पेजेस काउंट कर लो जैसे टैक्स में अगर बहुत बड़ा चैप्टर अगर पीजीबीपी है अकाउंट्स में अगर फाइनल अकाउंट्स है और पता चलता है आपको कि 100 pages है उसके पीजीबीपी की बात करती हूँ जो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है टैक्स में अगर वो 100 pages का है तो व्हाट आई विल डू आई विल डिवाइड दैट 100 pages इनटू 5 days राइट. व्हाट आई विल डू डेली 20 pages पढ़ना है बस और कुछ नहीं करना. पर वो 20 pages अगर मैं 2 hours में पढ़ रही हूँ तो इट शुड बी वेरी परफेक्ट कॉन्सेंट्रेट करके एंड उसको अच्छे से समझ कर. अगर मैंने वो 20 pages आज का छोटा सा टारगेट लिया क्या लिया 20 pages और यही 20 pages अगर मैं 5 days तक पढ़ूं मेरा चैप्टर खत्म पीजीबीपी से के क्यों डरना. अगर मेरे पास फाइनल अकाउंट्स में 10 sums है सुबह 1 sum शाम को 1 sum 5 दिन तक सुबह शाम 1 sum क्योंकि 1 sum को 45 minutes लगते हैं. अगर आप ऐसे 1 sum करोगे तो आपको उसमें से रिजल्ट्स मिलेगा. आप अच्छे से एनालाइज करोगे हैफाजिटली सम नहीं करोगे दिमाग लगा के सम करोगे हर एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करोगे. वैसे ही ब्रांच में पता चल रहा है पहले आप देख लो हाउ मेनी सम्स यू हैव टू डू यू वांट टू डू 20 sums 5 days में डिवाइड कर दो 5 days हो या 6 days हो नंबर ऑफ डेज में डिवाइड कर दो सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा बस ऐसे ही करना है वो सम को अच्छे से पढ़ना है बिकॉज मेनी सम्स डोंट वांट लाइक आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके अंदर खाली प्रैक्टिस करने से भी हो जाता है. जैसे मैंने पीजीबीपी का एग्जाम्पल लिया वैसे अगर आप लॉ में पढ़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा चैप्टर है
परेशान हो जाते, आज सुबह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ते जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे टाइम। कुछ भी मत करो, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज में, पढ़ो अकाउंट्स के ही साइकिल में, पढ़ो लॉ के ही साइकिल में, पढ़ो टैक्स के ही साइकिल में, अलग दिन मत चूज करो। लेकिन वो 5 दिन जो आपने पूरा का पूरा लॉ के लिए दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसी 5 दिन में कवर होना चाहिए 20-20 पेज करके, और शुड नॉट बियॉन्ड गो बियॉन्ड एट 5 डेज। तो वो दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, इजी हार्ड एंड मीडियम चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन बनाओ और तोड़ो चैप्टर्स को, लेकिन उसी सेट ऑफ साइकिल में पढ़ो जो मैंने आपको बोला है 5 दिन में कवर करना। उसको ना 5 दिन के ऊपर जाने दो, ना उसे कम करो, अपने बर्डन को लिवरेज करो, उसको डिवाइड करो और इंजॉय करो ये सिंगल टिप के साथ। एंड डेफिनेटली ये टाइनी चेंजेस आपको आपको सेटिस्फेक्शन देगा, आपके मुंह पे हंसी लाएगी एंड यू विल बी अगेन मोटिवेटेड फॉर नेक्स्ट साइकिल। थैंक यू।